आगे और बात इंटरनेशनल खबर की भी कर लेते हैं, क्योंकि सरहद के उस पार की खबर भी मैं आपको बताते हैं। इराक की खबर है, जहां पर श्रीलंका जैसे हालात कहीं ना कहीं बन उठे हैं। आपको जानकारी दे देते हैं, शिया धर्म गुरु के ऐलान के बाद समर्थक भड़क गए हैं। अब तक 20 लोगों की मौत की खबर आ रही है। भीड़ ने राष्ट्रपति भवन और सरकारी भवनों पर कब्जा भी कर लिया। एक सप्ताह से लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि श्रीलंका जैसे हालात कहीं ना कहीं दिख रहे हैं इराक के अंदर। आपको याद होगा कि किस तरीके से श्रीलंका के अंदर हालात हुए थे, जब राष्ट्रपति भवन के अंदर लोगों का घुसना हुआ था, जिसके बाद कई दिन लगे और माहौल शांत हुआ। लेकिन ठीक वैसे हालात अब इराक के लग रहे हैं, और जब भड़के हैं समर्थक ऐलान के बाद शिया धर्म गुरु के, तो ये कहा जाता है कि 12 से 20 की संख्या है जब लोगों की मौत हो गई है। जानकारी इस वक्त की आपको बड़ी दे रहे हैं, क्योंकि एक सप्ताह से ये प्रदर्शन चल रहा है। तकरीबन एक सप्ताह हो चला है प्रदर्शन को चलते हुए, और इन तस्वीरों को आप देखिएगा, क्योंकि कल रात से लेकर अब तक की ये तस्वीरें हैं जो गुलिस्तान न्यूज आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से झड़पें हुई हैं समर्थकों के बीच, जो कि शिया धर्म गुरु के ऐलान के बाद जो उनके समर्थक थे वो कहीं ना कहीं पुलिस से भिड़ते हुए नजर आए। 20 लोगों की मौत की खबर इस वक्त की आ रही है, और राष्ट्रपति भवन के अंदर भी कब्जा जमाने की कोशिश, सरकारी भवनों के अंदर कब्जा जमाने की कोशिश लगातार की जाती रही है, जो कि तस्वीरें भी बयां कर रही हैं। जानकारी इस वक्त हम आपको बड़ी देने की कोशिश कर रहे हैं इराक से, और ये इंटरनेशनल खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि सरहद के उस पार की जानकारियां भी आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन क्या अब ये माहौल शांत होने वाला है, आगे आने वाले समय में क्या होगा, उसके लिए हम अपने सहयोगी रहमत कलीम का रुख करेंगे, जिनसे जानकारी लेंगे कि आखिर हालात वहां पर कैसे बने हैं और आगे आने वाले समय में ये कब तक माहौल शांत होने वाला है। रहमत, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है तो जानकारी दीजिएगा, क्या हो सकता है अब इराक के अंदर, क्योंकि एक सप्ताह से ये प्रदर्शन हम देख रहे हैं, लेकिन ऐलान के बाद जब धर्म गुरु का ऐलान हुआ तो समर्थक भिड़े, गोलियां चली, कुछ लोगों की मौत हुई, संख्या 20 के तकरीबन बताई जाती है। जी देखिए, बिल्कुल ये संख्या बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है, और हमारे पास जो अपडेट है उसके मुताबिक 33 लोगों की जान गई है, और अभी भी कई जगह ऐसे हैं जहां पर झड़प की खबर मिल ही रही है। लेकिन मुक्तदा सदर की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एक तरफ जहां आज भूख हड़ताल किया गया, वहीं दूसरी जानिब दरख्वास्त की गई, रिक्वेस्ट की गई अपने जितने भी समर्थक थे, तो उन तमाम से कहा गया कि आप जल्दी से जल्दी पार्लियामेंट हाउस से बाहर निकले, ग्रीन जोन से बाहर निकले। जो बगदाद का एरिया है, खासतौर से ग्रीन जोन जहाँ पर बड़े बड़े दफातर हैं, सरकारी रहायशगाह हैं, उन तमाम से जो गुजशत 24 घंटे के अंदर प्रोटेस्टर वहां जमा हुए थे, उन तमाम को कहा गया कि निकलें। तो इसे डेढ़ घंटे की मुद्दत दी गई थी, और कहा गया था कि डेढ़ घंटे के अंदर आपको वो खाली करनी है। खबर मिल रही है कि इस वक्त कहीं ना कहीं वो तादाद कम हो गई है ग्रीन जोन में, और पार्लियामेंट के अंदर जो तादाद हम गुजशत 24 घंटे से देख रहे थे, प्रोटेस्ट धीरे धीरे कम हो रही है, मरने वालों की तादाद बढ़ गई है। लेकिन यह है कि जो इराक के अंदर सूरत हाल है वो पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी की सूरत हाल है। गुजशत अगर अक्टूबर के महीने में देखें, अक्टूबर के महीने में इलेक्शन हुआ था, तब हमने देखा था मुक्तदा सदर की पार्टी सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आई थी, लेकिन जो ईरान के सपोर्टेड शिया पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसके साथ उनकी डील नहीं हो पाई, और डील न होने के बाद मामला यहां तक पहुंचा कि खुद अपने पार्टी के लीडरान जो थे वो भी उनसे नाराज होते चले गए, और नौबत यहां तक आई कि उनको उनके पार्टी के लीडरान ने इस्तीफा भी दे दिया। तो बातचीत नहीं बन पाने की वजह से अक्टूबर से लेकर के अब तक के हम एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बाजाब्ता तौर पर मुस्तफा अल कासमी को देख रहे हैं, और यही सूरत हाल है कि बीच में एक बार बात भी बन गई थी इस हवाले से कि नए सिरे से इंतखाब कराया जाए, इलेक्शन कराया जाए, फिर उसके बाद अगर किसी के पास मेजोरिटी आती है तो फिर वो सरकार बना लेगा। लेकिन बात पूरी तरह से नहीं बन पाई, नतीजे में इलेक्शन भी नहीं हो पाया, और अब इस पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, अस्थिरता की जो सूरत हाल है उसको खत्म करने के लिए मुक्तदा सदर ने जो कदम उठाया, हालांकि इससे पहले भी इस तरह का कदम उठा चुके हैं, इससे पहले भी इस्तीफे का ऐलान कर चुके हैं, जिसकी वजह से उनका पॉलिटिकल बहुत बड़ा फायदा हुआ था, और जो एक्सपर्ट हैं वो ये मान रहे हैं कि एक बार फिर से वही चाल चली है मुक्तदा सदर ने। आने वाले कुछ महीनों के बाद आपको फिर से मालूम होगा कि मुक्तदा सदर फिर से पार्टी में, फिर से पॉलिटिक्स में वापस आ रहे हैं, फिर से इराक की पॉलिटिक्स में वो शामिल हो रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये है कि अभी जिस तरह से हम अक्टूबर से अब तक की अनस्टेबिलिटी की सूरत हाल देख रहे थे, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की, वही सियासी अस्थिरता की हालत अभी कुछ और महीने आपको देखने को मिल सकते हैं। अब सवाल ये है कि सरकार बनाए तो कौन बनाए, सरकार
सरकार बनाने की पोजीशन में कोई है नहीं, लेकिन अब यह है कि नई सरकार बनाने के लिए पहले इलेक्शन कराने होंगे और इलेक्शन को लेकर के बात बनती दिखाई नहीं दे रही है। कई मुल्कों की जानिब से, कई देशों की जानिब से बाजाबता तौर पर बातचीत के जरिए मसले के हल की दरख्वास्त जरूर की गई है, लेकिन इस वक्त जो पोलिटिकल पार्टियां हैं उन पार्टियों को अगर देखें तो जो मुस्तफा अल काजमी जिसको सपोर्ट था मुक्तदा सदर का, मुक्तदा सदर खुद पोलिटिकल फील्ड को छोड़कर के निकल गए हैं। ऐसे में अभी फिलहाल बीच भंवर में उस तरह से इराक की सरकार या इराक की पॉलिटिक्स फंसती हुई नजर आ रही है। जब ये रास्ता निकल जाएगा कि कब तक के हम इलेक्शन में जा सकते हैं, कब तक के इलेक्शन कराया जा सकता है, और इलेक्शन के आने में भी अभी बताया जा रहा है कम से कम 6 से 7 महीने लग सकते हैं, जब सूरत हाल कंडीशन वगैरह बेहतर हो, कुछ कंट्रोल में सूरत हाल हो तो उसके बाद फैसला लिया जा सकता है। लेकिन अभी ये माना जाए कि अगले 6 महीने और आपको ऐसी कंडीशन दिखाई देगी अनस्थिरता के माहौल में। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी टकटकी लगाए इराक की ओर देख रहा है, संभवतः क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी अब किसी ने चिंता भी जाहिर ना की हो और वैसी स्थिति बन जाए इराक के अंदर। जी देखिए, बिल्कुल पिछले करीब अगर आप 1 साल से देखें तो 1 साल से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3-3 बार हमने देखा कि इराक के अंदर, इराक के पार्लियामेंट में बाज़ाब्ता तौर पर जो प्रोटेस्टर थे वो खासतौर से मुक्तदा सदर के सपोर्टर थे, वो पहुंचे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे और 24 घंटे भी के अंदर भी यही सब कुछ हुआ है। तो जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की सूरत हाल है वो किसी भी तरह से अगर आप देखें तो अगले 6 से 7 महीने तक खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आपको जगह जगह पर बार बार प्रोटेस्ट होते दिखाई देंगे और जो छोटी जमातें हैं वहाँ की वो बाज़ाब्ता तौर पर खुल करके सामने आने लगी हैं और कह रहे हैं कि आप इलेक्शन में जाना चाहिए। तो इलेक्शन में जाने न जाने के बीच में पूरा खेल फंसा हुआ है और इसमें कोई हतमी फैसला या यूं कहें कि सॉलिड फैसला लेने की पोजीशन में ना ही सरकार है ना ही वहां की पार्टियां हैं। तो ऐसे में ये खींचतान का दौर जारी रहेगा और खींचतान में कम से कम अभी आपको 6 से 7 महीने और लगेंगे और 6 से 7 महीने के बाद ही कुछ हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि कब इलेक्शन होगा और कब इराक में नई सरकार आएगी। जब तक के मजबूत सरकार नहीं आती तब तक के इराक के अंदर ऐसी, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, ह्यूमन क्राइसिस हो और तरह तरह की जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन यह है कि आप, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी फिलहाल आपको 9 से 10 महीने तक के ऐसी ही सूरत हाल के साथ इराक को आप देखते नजर आएंगे। कई बार आपको हर महीने में कम से कम 2 से 4 बार ऐसे अंदाजे होंगे कि प्रोटेस्ट फिर से शुरू हो गया, एहतजाज धरना फिर से शुरू हो गया। लेकिन इस तरह के एहतजाज धरने से फिलहाल 1 साल तक के इराक को निजात मिलने की कोई उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत इन चीज़ों को समझाने के लिए, हमारे दर्शकों को बारीकी से बताने के लिए।